दिवसीय धरना प्रदर्शन कालसी तहसील के अंतर्गत हो रहे अवैध खनन के खिलाफ राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस के बैनर तले लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ किनारेबाजी और एसडीएम कालसी को ज्ञापन सौंपा। कालसी तहसील के अंतर्गत आने वाले बोसान एवं कोटी रोड पर स्थित लाल डांग पर हो रहा है धड़ल्ले से खनन। एसडीएम कालसी ने खनन माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। नव भारत समाचार कालसी उत्तराखंड से विजयपाल सिंह भंडारी। प्रियंका सेना के द्वारा क्या है मैम, ज्ञापन में क्या प्रकरण है? राहुल प्रियंका गांधी सेना की तरफ से ज्ञापन दिया गया है अभी, इसमें इनके बारे में यही कहा गया है कि कालसी थाना क्षेत्र में लगातार अवैध खनन की घटनाएं हो रही है, इसी में इनके द्वारा कार्रवाई कराने की मांग की। मैम यहाँ पर जो गोसान में प्लांट चल रहे हैं उसको लेकर भी इन्होंने मांग उठाई है कि वहाँ पर पट्टाधारक पट्टे से बाहर जाकर के खनन कर रहे हैं, तो क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, अगर उनको जो पट्टा अलॉट है उसके इधर अगर वो लोग किसी के निजी क्षेत्र में या सरकारी जमीन में अवैध खनन कर रहे हैं तो उसकी जाँच करवाई जाती रही है, समय समय पर मेरे द्वारा करवाई जाती रही है, लेकिन फिर इस तरह की शिकायत आ रही है तो मैं दोबारा से लिखूंगा। मैम खनन पट्टे जो स्वीकृत है उसमें भी वो मानकों के विरुद्ध चुनाव कर रहे हैं, 3-3 मीटर 3.5 मीटर गहरा खोदा गया है, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? पूर्व में भी शिकायत आ चुकी है। इसमें मेरे द्वारा पहले भी जिला खान अधिकारी, तहसीलदार और हमारे जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी कमेटी बनाई गई थी इस तरह की अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं जाँच करने के लिए, तो उस समय की उस समय तो ऐसा कुछ